For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Well, इस फ्राइडे फिल्म रिलीज हुई थी दे दे प्यार दे, जिसने की तबू, रकुल प्रीत और अजय देवगन एक रोम कॉम में नजर आए थे। जी हाँ, चलिए बात करते हैं इस फिल्म की वीकेंड कलेक्शन की, यानी कि बॉक्स ऑफिस वीकेंड कलेक्शन की। वेल, जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी, ऑफकोर्स फिल्म फर्स्ट डे पर उतनी कमाई नहीं कर पाई थी। एक स्टेडी पेस था फिल्म का, 10.41 करोड़ अप्रॉक्स इस फिल्म ने कमाए थे सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस फिल्म का बज बढ़ा है, बज ऑलरेडी क्रिएटेड था जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, बिकॉज ट्रेलर बहुत लोगों को पसंद आया था। एक पेपी, फ्रेश और बड़ी वाइब्रेंट सी, कलरफुल सी फिल्म है ये। उस ट्रेलर को लेकर जब बज इतना था तो फिल्म ऑफकोर्स फर्स्ट डे पर 10.41 करोड़ की कमाई एटलीस्ट कर जाती है। लेकिन जब सैटरडे आता है, जैसे ही सैटरडे आता है, एक 40% का ओवरऑल ग्रोथ देखती है फिल्म। जी हाँ, जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, अगर मैं तरण आदर्श की बात करूँ तो उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये लिखा है, फिल्म ने 40% का ग्रोथ किया सैटरडे को बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। जी हाँ, हमने एक्सक्लूसिवली जब तरण आदर्श का इंटरव्यू भी लिया था, जहाँ मैंने उनसे पूछा था कि यू नो कि आपको कैसी लगी फिल्म, उन्होंने साफ कहा था कि एक बड़ी ही अच्छी फिल्म है, आप यू नो फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने अच्छे मैसेज को, जिस तरीके से रिलेशनशिप्स को लेकर एक अच्छा मैसेज दिया गया है, एक प्रोग्रेसिव थॉट है फिल्म के पीछे, इस प्रोग्रेसिव थॉट को कहीं ना कहीं बड़े ही फनी अंदाज में ऑडियंस तक पहुंचाया गया है। सो इस थॉट के जज्बे को यू नो सलाम है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जिस तरीके से फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टर्न आउट हुआ है, इट इज़ एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग, जिस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, बिकॉज किसी भी फिल्म के हिट होने में वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे मुझे फिल्म अच्छी लगी, यू शुड ऑल्सो गो, दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ। तो अगर आप वर्ड ऑफ माउथ की बात करें, फ्राइडे को फिल्म ने 10.41 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन जब तक सैटरडे आया, फिल्म ने 40% ग्रोथ देखकर सीधा 13.21 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन अगर मैं संडे की बात करूं तो 14.21 करोड़ एक दिन में फिल्म ने कमाए, जिसकी यानी कि अगर आप बात करें, हर दिन फिल्म की ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। लोग इस फिल्म को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए अब तक की फिल्म की टोटल कलेक्शन की, तो मंडे यानी कि आज के शोज इंक्लूड करके, अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ अभी तक के शोज इंक्लूड करके, इस फिल्म की कलेक्शन अप्रॉक्स 40 करोड़ हो चुकी है। बिकॉज संडे नाइट तक इस फिल्म के कलेक्शंस आए थे 38.65 करोड़। वेल, दैट इज क्वाइट गुड नंबर अगर बात की जाए। तीनों की कामराडरी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर मैं अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत कौर की बात करूँ, एक बड़ी ही फ्रेश पेयरिंग है, बड़ी ही लवेबल स्टोरी है, पेपी फिल्म है, हैप्पी नोट पे फिल्म खत्म होती है। एंडिंग जो है वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है, बट इट इज़ रियली वर्थ वॉचिंग। मैं खुद रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी लोगों से, अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, इट इज़ अ गुड फिल्म विद अ गुड मैसेज, वेरी हैप्पी फिल्म। आप जाइए थिएटर्स में, फिल्म ज़रूर देखिए, आपका मूड ज़रूर अच्छा होगा और काफ़ी ऐसे पंचेज है जो आपको हंसने पर ज़रूर मजबूर करेंगे। So please go and watch this film and also do not forget to subscribe to our channel Movies Adda. This is Jyoti Nahak. So please video ke niche ja, comments karo aur kya kya janna chahte ho is film ke bare mein. Is film se related har update main aapke paas lekar aati rahungi. Well, box office collection filhal pahuncha hai 40 crores tak aur zyada badhega ya nahi badhega? Of course badhega kyunki film bahut achhi hai. So video ke niche ja ke comments karo and do not forget to subscribe to our channel Movies Adda. This is Jyoti Nahak signing off.